कराची की सियासत में फिर हलचल, एमकेएम और पाक सरजमीन पार्टी न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार। नदीम नुसरत भी रेडी, लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात करेंगे। एमकेएम का सारा गंद एक जगह जमा हो रहा है, पीएसपी वाले इस काबिल नहीं कि उनसे हाथ मिलाया जाए, वसीम अख्तर और रऊफ सिद्दीकी की गुफ्तगू। डॉक्टर आसिम कहते हैं उनके पास बहुत सी लीक्स हैं, वजीरे आजम वतन वापस नहीं आएंगे। एमडी बैंक ऑफ खैबर एहतसाब से बचना चाहते हैं, जमात इस्लामी का भी इश्तिहार आ गया। लाहौर में अरबों के मुख्तस फंड्स खर्च ना किए गए, तामीराती मंसूबों में ताखीर। छोटू गैंग के खिलाफ घेरा तंग, करीबी बस्तियां खाली करा ली गई। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, दो टारगेट किलर पकड़े गए, असलहा भी बरामद। वजीर आजम हाउस में विफाकी वजरा का मशावरती इजलास, पनामा स्कैंडल पर पार्लियामेंट कायदीन से मशावरत के बाद कदम उठाने का फैसला। कपास की मुल्की पैदावार में 34% कमी, मईशत को 180 अरब का नुकसान, जरूरत करने के लिए दरामद नौबत। पिशावर में चूहों की टारगेटेड किलिंग, खत्म होने के बाद चूहे फिर निकल आए, एक और बच्ची जख्मी कर दी। नजम सेठी प्रोग्राम में अदालतों की चिड़िया उड़ाते हैं, अब उनकी चिड़िया अदालत में उड़ाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स। तालीम हासिल करने की लगन में माजूरी रुकावट नहीं, कराची में हाथों और पैरों से माजूर नौजवान ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। भारतीय रियासत गुजरात में पटेल बरादरी फिर एहतजाज पर, जेल भरो मुहिम का ऐलान, हालात कशीदा हो गए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को लाहौर क्रिकेट का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। अगर फिट रहना है तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करें, ऑस्ट्रेलवी तहकीक से सब खुश। और टाइटैनिक कैसे डूबा, एनिमेशन ने खौफनाक हादसे की कहानी बता दी।